जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ। थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया, लेकिन उससे कुछ साल पहले होता तो हाँ कोचिंग करना जरूरी था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन है, मैंने सब कुछ ऑनलाइन ही पढ़ा है, सब यूट्यूब पर मिल जाता है, मैं आपका चैनल भी फॉलो किया आता है। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहां पर यूपी पीछे 2022 का इंटरव्यू चला, अभी सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे सर का इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, इंटरव्यू कैसा? इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा हुआ, मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ। थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया, लेकिन सॉरी सर बोल के, लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि उन्होंने मुझे खुद ही आंसर बताया उसका बाद में कि आप ऐसा नहीं सोचते क्या। मैंने कहा हाँ सर ऐसा सोचते, कह रहे आपको ये बोलना चाहिए। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड। हाँ, मेरा नाम चंद्रेनु विक्रम है और मेरा डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद है, और मैं बीटेक किया हूँ, उसके बाद मैं एलएलबी किया हुआ हूँ। बीटेक मेरा बीएचयू से है और एलएलबी डीयू से करा। पीसीएस की तैयारी सर कब से कर रहे हैं? मैं 2019 से पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, पहला इंटरव्यू दूसरा नहीं। सर क्वेश्चन वगैरह क्या क्या पूछा गया उसके बारे में? हाँ, मेरा कल्पराज सिंह सर का बोर्ड पढ़ा था, तो कल्पराज सिंह सर ने, जैसे मेरा लॉ बैकग्राउंड है तो मोस्टली क्वेश्चन लॉ से थे और एनालिटिकल क्वेश्चन थे काफ़ी। उन्होंने फैक्चुअल पूछा एक, वो स्टार्टिंग में मैं बता नहीं पाया, कुछ प्रॉपर्टी लॉ से था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने धीमे धीमे जब एनालिटिकल पूछने शुरू करे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और एनजेएसी के बारे में क्वेश्चन था एक, और कलेजियम सिस्टम में कि कलेजियम सिस्टम में आप मेरे को दो खामियाँ बताइए, दो खूबियाँ बताइए, और जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद एक बोर्ड मेम्बर ने मेरे से महिलाओं के बारे में स्कीम, उनकी ग्राउंड रेट पर रियलिटी, और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे, जैसे कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो डिबेटेड है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या समझते हैं डिबेट है, तो मैं पहले इवोल्यूशन डिबेट मतलब अपने एंथ्रोपोलॉजी का पर्सपेक्टिव से ले गया, फिर उन्होंने उसको स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन से रिलेट किया कि कैसे आप मानते हैं कि स्पिरिचुअल हैं या नहीं है। स्पिरिचुअल लोग कहते हैं इंसान को भगवान ने बनाया, और आप लोग कहते हैं इवॉल्व कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत मन। और कोई सिचुएशन वगैरह भी आपको दी गई? हाँ, सिचुएशन मेरे को दी गई थी कि आप एसडीएम हैं और एजुकेशन कैसे, स्पेशली रूरल वुमेन का, वो कैसे आप सही करेंगे। और सर जैसे कि अभी आपने बताया कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पर आपको मतलब वो उसका आंसर नहीं पता था। हाँ। तो मतलब उस जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें मतलब कैसे डील करना चाहिए? जैसे मेरा यही पर्सनली रहेगा कि आप गलत आंसर ना दें, मतलब आपको नहीं आता तो सॉरी बोलिए, या फिर अगर आप गलत आंसर दे रहे हैं तो एक बार उनको बता दिए कि सर आई विल ट्राई टू आंसर, तो अब वो खुद परमिशन देते कि हाँ यू कैन ट्राई। मेरे साथ यही हुआ, मैंने ट्राई किया, उनको आंसर भी दिया, उन्होंने कहा आप बहुत क्लोज हैं लेकिन आप सटीक नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने फिर मेरे को उसका आंसर भी बताया कि आप ये जानकारी रखिए कि इस तरीके से है, आगे काम है। कहीं पर कोचिंग वगैरह करते थे सर पीसीएस? सर मैंने पीसीएस के लिए कोई कोचिंग नहीं लिया है, मैं सिविल सर्विसेज के भी मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं और एक इंटरव्यू प्रिपेयर हो चुका हूँ, तो मैंने सिविल सर्विसेज में सिर्फ मेंस की कोचिंग। तो सर आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैसे अगर कोई मतलब एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है खासकर पीसीएस के लिए, तो पीसीएस की तैयारी में कोचिंग करना जरूरी होता है? देखिए अब पहले, अब से कुछ साल पहले होता तो हाँ कोचिंग करना ज़रूरी था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन है, मैंने सब कुछ ऑनलाइन ही पढ़ा है पीसीएस के लिए स्पेशली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तैयार था सिविल सर्विसेज की वजह से। लेकिन पहला मेरा प्रीलिम्स, पहली बार जब 2019 में मैंने प्रीलिम्स दिया था वो नहीं हुआ, सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि जो यूपी के स्पेसिफिक फैक्ट्स हो गए, फैक्चुअल चीज़ें हो गई, वो मैं नहीं पढ़ पाया था, तो वो सब इंटरव्यूज़ देखे टॉपर्स वगैरह के, देखा फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, तब जाके वो चीज़ समझ में आएगी। दोस्तों आप लोग के साथ एक बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी शेयर करना था, इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफी चाहेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आज के समय में पीसीएस का एग्जाम क्रैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर आपको सबसे आगे रहना है तो आपको चाहिए फोकस प्लस डिटर्मिनेशन प्लस डेडिकेशन प्लस बहुत ही राइट और सटीक स्ट्रेटजी। तो यदि आप लोग का भी सपना है अधिकारी बनने का तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आप लोग बहुत ही पीछे रह जाएंगे। दोस्तों क्या आप सभी लोग को पता चला पीडब्ल्यू ने अभी सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस त्यौहार तैयारी का, जिसकी वजह से पीडब्ल्यू के कोर्सेज पर बहुत ही भारी डिस्काउंट चल रहा है। दोस्तों पीडब्ल्यू का सक्षम बैच जो कि 69 बीपीएससी और यूपीपीएससी 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स है। दोस्तों इन कोर्सेज का फीस इसके पहले ज्यादा था, लेकिन अभी विश्वास दिवस की वजह से इन कोर्सेज का फीस बहुत ही कम कर दिया गया है। अभी इन कोर्सेज पर आप लोग को भारी डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट के बाद आप लोग को ये कोर्स अभी मिल रहा है 2999 रुपए में,
और दोस्तों ये ऑफर अभी आप लोग के लिए बहुत ही सीमित समय के लिए है, 10 मार्च तक ये ऑफर चलेगा। दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। दोस्तों पीडब्ल्यू का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप लोग इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को 500 रुपए का वॉलेट पॉइंट्स दिया जाए, जिसको आप फ्यूचर में कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आप डिस्काउंट के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूपीपीसीए 2023 के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो दोस्तों अब देर किस बात की, जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ऑनलाइन में भी जैसे बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग भी चलती है जहां पर मतलब पढ़ाया जाता है, तो क्या मतलब पर्टिकुलर कोई बैच ज्वाइन करना चाहिए या फिर फ्री में कोर्सेज मिल जाते हैं? फ्री वाले कोर्स ही लीजिए, कोई बैच ज्वाइन करने का मतलब नहीं। हाँ, सब यूट्यूब पर मिल जाता है। मैं आपका चैनल भी फॉलो किया था इंटरव्यू के लिए कि लास्ट में कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या, जैसे कई लोगों ने होता है कि फैक्चुअल जा रहा है, तो मेरे भी बोर्ड में हुआ कि एक दो फैक्चुअल है, लेकिन मैं उनके लिए मेंटली प्रिपेयर था, तो ये चीज़ थी। फिर मैं नहीं मानता कि कुछ बैच ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेन्स हो गया, मेंस में आपको लग रहा है कि मैं उतना आंसर नहीं लिख पा रहा क्योंकि 6 पेपर 8 पेपर लिखने होते हैं कंटिन्यूस बैठ के, तो आप किसी का मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग का और उसे लिख के अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल। यूट्यूब पर आप जैसे कि पढ़ने के लिए कौन कौन सा चैनल्स वगैरह फॉलो करते थे सर, जहाँ से मतलब आपको हेल्प मिली? चैनल ऐसा तो मैं कोई मतलब पर्टिकुलर एक चैनल मैंने कभी फॉलो नहीं किया, जो मिल जाता था जिस तरीके से, जैसे आपका इंटरव्यू के लिए फॉलो किया था और स्टडी आईक्यू करके एक चैनल है, मैं उसका करा था, ओनली आईएएस के थ्रू मेरे को काफ़ी हुआ। यूपी के लिए याद नहीं अभी स्पेसिफिक चैनल, लेकिन जैसे घटना चक्र का रहता है तो घटना चक्र मैंने वो पढ़ा था। सर, जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या सजेशन, क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मेरे से हाँ ये क्वेश्चन भी पूछा था, मैं एक बात बता रहा हूँ, इसमें मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए। एक परसिवरेंस नाम की होती है कि आप ब्रिट करके लगे रहिए उस पर, उसके पीछे छोड़िए मत जब तक ना मिल जाए। आपको पता है कि आप कर लेंगे तभी शायद आप इस फील्ड में हैं, तभी आप आए, ये वरना आप चुनते ही नहीं ना, आप इधर उधर की नौकरी लेके निकल जाते। आपको पता है कि आप कैपेबल है, बस उसी पे फोकस रखिए, करते रहिए। एक बार सफलता नहीं मिलेगी, दो बार नहीं मिलेगी, लेकिन कभी ना कभी। कई बार सर क्या होता है कि हम पढ़ते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर कई बार मतलब आखिरी पड़ाव तक जाके सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो तब उस समय अपने आप को क्या कैसे मोटिवेट? देखिए, ऐसा हुआ था मेरे साथ भी कि डीमोटिवेशन आता है, नो डाउट आता है, आपके दोस्त लोग अच्छा कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, तो पहली चीज़ तो यही है कि आप किसी का इंटरव्यू देखिए, आप घर पे बैठ जाइए, सबसे पहले सोचिए आप आए क्यों थे यहाँ पे, पहला क्वेश्चन वही है। और ये एग्ज़ाम ऐसा है, इसमें किसी के बाहर की प्रेशर की ज़रूरत नहीं कि बैठ के पढ़ो, अंदर से लगने आप खुद आए हैं यहाँ पर, तो उससे बड़ा मोटिवेशन मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद भी लगता है तो भाई सीधी सीधी बात है कि इसकी जो पूरी जर्नी है इन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की, चाहे यूपी का हो गया वैसा हो गया, उसका साथ यही पॉजिटिव है कि आपको इतना अच्छा बेहतर इंसान बना देती है, मतलब नॉलेज के साथ साथ एक आप में पंचुअलिटी हैबिचुअलिटी आ जाती है, तो वो आगे वो किसी भी आप फील्ड में जाएंगे आप एक्सेल कर। सर, आशा करता हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन जरूर हो। धन्यवाद।